तो ह्युंडई आयोनिक 5 ह्युंडई कंपनी की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार थी। इस कार को कंपनी ने लगभग 1.5 साल पहले लॉन्च किया था, लेकिन अभी तक ये कार इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक कार इस साल इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होने वाली है। इसे इंडिया में मैन्युफैक्चर तो नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे CBU यानी कि कम्प्लीटली बिल्ड अप यूनिट के जैसे इंडिया में इम्पोर्ट किया जाएगा। और ह्युंडई कंपनी तो मतलब सोच से बहुत ज़्यादा आगे चल रही है। आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक कार इनकी अभी तक इंडिया में आई नहीं है। आयोनिक 6 इलेक्ट्रिक कार को इन्होंने ग्लोबल मार्केट में टीज करना भी स्टार्ट कर दिया है। आयोनिक 6 इलेक्ट्रिक कार भी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। बहुत ही जल्द कंपनी इसका लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएगी। और अब ह्युंडई कंपनी ने अपनी आयोनिक 7 इलेक्ट्रिक कार पर काम करना भी शुरू कर दिया है और इसकी लॉन्च टाइम भी रिवील कर दी है। 24 में आयोनिक 7 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो जाएगी। और आयोनिक 7 डिज़ाइन और प्रेजेंस के मामले में आयोनिक 5 और 6 के कंपैरिजन में काफ़ी अलग होने वाली है। ये एक प्रॉपर SUV कार होगी जो कि साइज में काफ़ी बड़ी होगी और ये कार 7 सीट ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल होगी। ये ह्युंडई कंपनी की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार होने वाली है। इस कार में हमें अप टू 643 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। ये कार भी 350 किलोवाट रैपिड चार्ज को सपोर्ट करेगी और सिर्फ 5 मिनट में 100 किलोमीटर चलने जितना चार्ज हो जाएगी। इस कार का व्हील बेस काफ़ी बड़ा होने वाला है और यहाँ पर बैटरी भी बहुत बड़े साइज की होगी। और ये कार सिंगल चार्ज में अप टू 643 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करेगी। ह्युंडई कंपनी इतना फास्ट काम कर रही है, मतलब आप आयोनिक 5 की डिलीवरी तो सही से कर लो, तब जाके आयोनिक 7 लॉन्च करना। खैर, आयोनिक 5 बाय एंड ऑफ दिस ईयर इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। इसकी प्राइसिंग करीब 60 लाख होने वाली है और ये काफ़ी लिमिटेड नंबर्स में लॉन्च होगी। रूल्स के मुताबिक ह्युंडई कंपनी इस कार के हर साल सिर्फ 2500 यूनिट्स ही इंडिया में इंपोर्ट कर सकती है।